मुंडावर थाना अंतर्गत पहलगांव में बुधवार को एक युवक की हत्या के सनसनीखेज मामले के बाद मुंडावर थाना पुलिस ने हत्या करने वाले मुख्य आरोपी दयाराम उर्फ दयाचंद को गिरफ्तार किया है। हत्या के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था, जिसे आज मुखबिर की सूचना पर चांदोली के पास ईंट भट्टे से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मृतक लोकेश शर्मा का चचेरा भाई था, जिसने मामूली विवाद के चलते कुल्हाड़ी से मृतक की गर्दन पर वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि मृतक के भाई ने सूरजभान सुनीता और टेकचंद को भी नामजद आरोपी बताया है। मृतक के भाई ने पुलिस को बताया था कि लोकेश को इन लोगों ने पहले पकड़ लिया और दयाराम ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया। मुंडावर थाना पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करते हुए उसे रिमांड पर लिया है, जिसे हत्या के असल वजह का पता चल सके। अक्टूबर को शाम लगभग 3:30 बजे की बात है, लोकेश शर्मा निवासी पहल की हत्या कुल्हाड़ी से हुई थी। इस संबंध में मृतक के भाई घनश्याम ने मुकदमा दर्ज करवाया था उसी दिन रात्रि में, जिसमें उसने अपने चचेरे भाई दयाराम उर्फ दयानंद के खिलाफ यह आरोप लगाया था कि उसने कुल्हाड़ी से वार किया है। इसके अलावा उसने अपनी मौसी और अपने मौसा जी, जो उसके चाचा जी भी लगते हैं, सूरज भान को भी नामजद किया FIR में। हमने इन्वेस्टिगेशन किया इसमें और SP साहब ने इसमें 6 टीमों का गठन किया था, अलग अलग जगह पर दबिश दी गई। कल शाम को हमें सूचना मिली मुखबिर से, हमारे बीट कांस्टेबल गिरिराज को सूचना मिली कि मुख्य आरोपी दयानंद उर्फ दयाराम इस समय चांदोली गांव में ईंट भट्टे के पास में है, जिस पर हमने बिना समय गवाए हमारे जाब्ते को रवाना किया। पहुंचने में समय लग सकता था, इसलिए हमने लोकल थाना, जो वहां से मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी पर था, विजय मंदिर के जाब्ते से संपर्क किया और उन्होंने तुरंत जाकर के उसको डिटेन कर लिया। वहीं मिला मुखबिर की सूचना बिल्कुल पुख्ता थी, जिसे हमारा जाब्ता पहुंचते ही तुरंत सुपुर्द कर दिया गया। हम देर रात्रि ले आए उसे और अनुसंधान के बाद में उसने जुर्म स्वीकार किया है, उसे गिरफ्तार कर लिया। आज उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है और 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिस कुल्हाड़ी से उसने वार करके अपने चचेरे भाई की हत्या की, वो कुल्हाड़ी बरामद करेंगे, प्रयास कर रहे हैं हम। और इसके अलावा भी हत्या के कारणों के संबंध में विस्तार से, गहनता से जांच कर रहे हैं। अन्य जो आरोपी हैं, मृतक के जो रिश्ते में मौसी और मौसा जी लगते हैं, उनके संबंध में भी गहनता से जांच जारी है।